देश के मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के मालिक सर रतन टाटा अब हमारे बीच में नहीं रहे। 86 साल के रतन टाटा ने बुधवार देर रात मुंबई के अस्पताल में आखिरी सांस ली। रतन टाटा के निधन से देश में शोक की लहर है। रतन टाटा का दुनिया से जाना भारत के लिए एक बड़ी क्षति है। राजनेता, उद्योगपति, बॉलीवुड, हर जगत के लोग रतन टाटा के लिए दुखी हैं। सोशल मीडिया पर लोग रतन टाटा को लेकर भावुक पोस्ट कर रहे हैं। इतने बड़े उद्योगपति होने के बावजूद भी सर रतन टाटा ने शादी क्यों नहीं की, ये सवाल सारी दुनिया के मन में है। रतन टाटा के पास सब कुछ था, लेकिन फिर भी उन्होंने अकेले ही जीवन जीने का फैसला किया था। इसके पीछे रतन टाटा की असफल प्रेम कहानी है, जिसने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। रतन टाटा की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उनकी भी एक प्रेम कहानी रही थी। रतन टाटा को एक कंपनी में काम करने के दौरान लॉस एंजल्स में प्यार हुआ था। वो उस लड़की से शादी करने ही वाले थे कि अचानक उन्हें भारत वापस लौटना पड़ा। रतन टाटा को ये लगा था कि जिस महिला से वो प्यार करते हैं वो भी उनके साथ भारत आ जाएगी। रतन टाटा अपनी दादी की तबीयत खराब होने की वजह से भारत लौटे थे। लेकिन साल 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। यही कारण था कि लड़की के माता पिता ने उसे भारत नहीं आने दिया। जिसके चलते उनका रिश्ता टूट गया और दोनों अलग हो गए। सर रतन टाटा वाकई में एक बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हैं। भारत सरकार ने रतन टाटा को देश के दो सबसे बड़े सम्मान से नवाजा था। रतन टाटा को पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। ये सम्मान उन्हें राष्ट्र निर्माण में उनके अतुलनीय योगदान के लिए दिया गया था।